नमस्कार किसान भाई, आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे मौसम के बारे में, जानेंगे राजस्थान में आज 9 अक्टूबर के दौरान दिन भर मौसम कैसा बना रहेगा। सुबह से लेकर शाम के बीच संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। आज कई इलाकों के लिए बरसात होगी, किन किन जिलों के लिए बरसात की संभावना ज़्यादा रहेगी। कल भी WD के कारण राजस्थान के पश्चिमी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, खाजूवाला, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर के कई क्षेत्रों के लिए मेघ गर्जने के साथ हल्की बरसात की गतिविधियाँ रही। जानेंगे आज प्रदेश भर का मौसम कैसा रहेगा। किसान भाइयों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं भी समझता हूं राजस्थान के किसान अधिकतर अभी खेतों में काम में लग चुके हैं और साथ ही अपनी फसल की चिंता है। साथ ही आपको बता दें, आप फसल के साथ साथ मौसम की जानकारी रखना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं ये मौसम हर पल बदलता रहता है, इसीलिए मौसम की जानकारी रखना सही और सटीक है। साथ ही अरब सागर से तूफान भी उठ रहा है, उसका असर आंशिक रूप से अभी के अपडेट के विश्लेषण के अनुसार आपको बता दें, अरब सागर में तूफान उठेगा, उसका नाम कहीं ना कहीं दाना और किस देश के द्वारा दिया जाता है ये तमाम जानकारी मिलेगी। अगर ये तूफान बनता है तो उसका नाम दाना रखा जाएगा। साथ ही आपको बता दें, ये तूफान राजस्थान में 11-12 अक्टूबर के आसपास उदयपुर, जोधपुर में आंशिक रूप से उसका प्रभाव रहेगा, सर्वाधिक मुंबई, महाराष्ट्र, साथ ही बता दें ऐसे कई क्षेत्र, साथ ही गुजरात के कई इलाकों के लिए भारी बरसात होगी 11-12 अक्टूबर के दौरान। और ये तूफान काफी शक्तिशाली और मजबूत होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं आज की, तो आज 9 अक्टूबर के दौरान किन किन जगहों के लिए WD का प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी के अपडेट के अनुसार सुबह से ही पश्चिमी राजस्थान के सिव, उंडो, शेरगढ़, बालोतरा, सराना, धोरीमीना, बांकासर, सांचौर, भीनमाल, जालौर, सिरोही, आबरोड के इलाके, साथ ही आसित, भीलवाड़ा से लेकर कहीं ना कहीं राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन कई जगहों के लिए बादल छाने के साथ बारिश का प्रभाव, तो कुछ जगहों के लिए बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। हालांकि दोपहर के बाद अचानक मौसम बदलाव की गतिविधियां होगी, इस कारण कहीं ना कहीं उत्तर राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, गस्सीपुर, पदमपुर से लेकर रायसीनगर, विजयनगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, संगरिया, सादुलशेर, कई क्षेत्रों के लिए उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। दोपहर बाद कई जगहों के लिए, अलग अलग एरियों के लिए बारिश की गतिविधियां होगी। पाली से लेकर सायरा, बाली, सादड़ी, रानी, तखतगढ़, सुमेरपुर, नाना, गोकुंदा से लेकर सिरोही, सौरोपंच, आबू रोड, जसवंतपुरा, रामसन, बागरा, जालौर से लेकर कहीं ना कहीं बालोतरा, शेरगढ़, उंडू से लेकर पोखरण, फलोदी, रणजीतपुरा, मोनगढ़, भल्ला, जैसलमेर, रामगढ़, तन्नोट माता, तमाम क्षेत्रों के लिए मेघ गर्जने के साथ कई इलाकों के लिए दोपहर के बाद अचानक बादल बनेंगे और हल्की और खंड बारिश का प्रभाव अलग अलग एरियों के लिए रहेगा। आज 9 अक्टूबर के दौरान भी कई जगहों के लिए बरसात की गतिविधियां, WD का प्रभाव देखने को मिलेगा। लगातार 10 अक्टूबर के आसपास राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग में जबरदस्त बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश तो कुछ बूंदाबांदी वाला प्रभाव भी बना रहेगा। साथ ही 11-12 अक्टूबर के आसपास उदयपुर, कोटा संभाग के कई स्थानों के लिए अच्छी बारिश होगी और 12 अक्टूबर के आसपास भी उदयपुर से लेकर जयपुर, वहीं भरतपुर और जोधपुर, पाली, बाड़मेर से लेकर कई इलाकों के लिए 11-12-13 अक्टूबर के आसपास राजस्थान में बादल छाने के साथ बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और तूफान का ट्रैक की बात करें तो अभी के अपडेट के अनुसार कहीं ना कहीं ये उत्तर और पश्चिमी दिशा की आगे बढ़ते हुए यमन या ओमान की तरफ है, ज़्यादा तो कहीं ना कहीं ओमान की तरफ इसका रुख रह सकता है। आगे जानकारी आपको लगातार इसी तरह मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हम अनुरोध यही करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ऐसे ही लेटेस्ट पूर्वक आपको राजस्थान की मौसम की जानकारी दी जाएगी। और वीडियो पहली बार देखा है तो वीडियो को अभी से लाइक कर लेना, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप अधिक इस वीडियो को शेयर करें, किसान साथियों के साथ मौसम की जानकारी मिले। मैं भी जानता हूं कि किसान अभी अधिकतर व्यस्त है तो उन्हें ज़्यादा टाइम भी नहीं है अपने खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन अब समय निकाल कर मौसम की जानकारी रखना जरूरी है। हर पल मौसम बदलता रहता, अचानक कभी कभी लोकल वेदर के कारण भी बरसात की गतिविधियाँ होती रहती है, फिर आप बाद में कहते हो कि हमारे क्षेत्र में आपने बारिश नहीं बताई और बारिश हो गई, तो ऐसा संभवतः ऐसे भी सिस्टम बन जाते हैं वहाँ कर लोकल वेदर के कारण संभावना को बरकरार नहीं रखते हुए भी कहीं ना कहीं आपको बता दें बरसात मौसम के अनुकूल विपरीत जाकर बरसात हो जाती है, वो भी हल्की बारिश, तो कहीं ना आपको बता दें मौसम की जानकारी रखना बहुत जरूरी है।
और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करके बता देना आप राजस्थान की कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर लेना। धन्यवाद।